हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, मेरे पास पूरा डेड एक इंडक्शन हीटर है। ये पूरा डेड हो चुका है फ्रेंड्स, इसको बनवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। और यदि इस प्रकार के इंडक्शन हीटर आपके पास भी है जिसको आप मैकेनिक को दिखा रहे हो तो ज़्यादा खर्चा बता रहे हो, उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा और एक सस्ता जुगाड़ बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, इसका बोर्ड बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जल चुका है, क्योंकि इसका जो IGBT है वो जलने के बाद कार्ड को पूरा जला दे रहा है। ये रिपेयरिंग करने के हालत में नहीं है, इसका IGBT शॉर्ट हो गया है, इस कारण देखो इसका पूरा सर्किट बोर्ड ही जल चुका है। अगर ऐसा इंडक्शन आपके पास भी है और उसमें इसी प्रकार का प्रॉब्लम है जो पूरा डेड हो चुका है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? क्योंकि इस प्रकार के इंडक्शन को आप मैकेनिक के पास ले जाते हो तो उसमें कम से कम आपको 1000 भर का खर्चा बता देगा फ्रेंड्स, जबकि इसको आप अपने खुद से हाथों से बनाओगे तो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। वही तरीका बताऊंगा और ये बिल्कुल नया बन के रेडी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आज हम इसको बिल्कुल नया जैसा बना के दिखाएंगे। ये पूरा सर्किट बोर्ड इसमें चेंज कर देंगे फ्रेंड्स। उसके लिए एक अच्छा सा किट आता है, यूनिवर्सल किट, उसको आपको परचेस कर लेना है। मैं भी आपको दिखाऊँगा वो कैसा होता है। और ये जो हमारे पास इंडक्शन है जो ख़राब है, इसमें से हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है वो भी बताऊंगा फ्रेंड्स। इस इंडक्शन को ठीक करने के लिए हमें ये ज़रूरत पड़ेगा, ये है एक यूनिवर्सल किट का पैक है पूरा। इसकी सहायता से आप अपने इंडक्शन का रिपेयरिंग अच्छे से कर सकते हो, ये बिल्कुल नया बन जाएगा। इसमें ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से यूनिवर्सल मेंटेनेंस किट लिखा हुआ है। ये सर्किट बोर्ड चाइना है रहने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी का है ये, और कई कीमतों में आता है, वाट के अनुसार से आप इसको ले सकते हो। जैसे 2000 वाट तक का यूज़ करते ना चाहते हो, ये उसके लिए है। 1200-1500 वाट के लिए अलग अलग आता है, उसको आपको कम रेट में भी मिल जाएगा। इसका मुझे प्राइस पड़ा है 440 रुपये। ये आप देख सकते हो, नंबर वन ब्रांड है। तो चलो इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका और मैं अनबॉक्सिंग का एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, यदि आप देखना चाहते हो तो उसको भी जाके देख सकते हो। इस यूनिवर्सल किट के साथ हमें एक कीपैड मिलता है और एक सर्किट बोर्ड। इसकी क्वालिटी आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। चलो इसके कीपैड की भी क्वालिटी देख लेते हैं। पहले इसको पन्नी से बाहर निकाल लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से ये इसका कीपैड है। इसको अलग से लगाना होता है, बस यही एक दिक्कत है इसमें। जो इंडक्शन में लगा हुआ पुराना कीपैड काम नहीं आता है फ्रेंड्स, जो इसका डिस्प्ले कार्ड है उसको पूरा निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो चलो आपको दिखाता हूँ कि हमें जो पुराना इंडक्शन है उसमें से कौन कौन सा सामान हमें ज़रूरत पड़ेगा। अभी इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं इसमें से कौन कौन सा सामान हमारा यूज़ का है। पहले जो ख़राब सामान है उसको निकाल के बाहर रख लेते हैं और जो जो काम का है उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। इसके इंडक्शन कॉइल को भी खोल लेते हैं, क्योंकि हम इसी इंडक्शन कॉइल का यूज़ करेंगे इसमें। और इसमें जो एक फ़ैन लगा है उसका, अगर फ़ैन ख़राब होगा तो हमें नया फ़ैन लगाना पड़ेगा। इंडक्शन कॉइल तो बढ़िया नया है, ये काम आ जाएगा। और इसमें जो पावर केबल लगे हैं उसको भी काट के बाहर निकाल लेते हैं, ये भी इसमें यूज़ करेंगे। अब ये सर्किट हमारा कोई काम का नहीं है, इसको हम फेंक देते हैं अभी साइड में। अभी हमारा इसमें ये काम का है, ये जो कॉइल है और इसमें लगा हुआ फ़ैन को भी हम निकाल के चेक करेंगे। तो चलो पहले इसको निकाल लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, इस कारण बीच बीच में मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार से इस फ़ैन को चेक करने के लिए हमें एक 12 वोल्ट की बैटरी लेना पड़ेगा। मैंने एक जॉइट का बैटरी लिया है, वैसे तो ये फ़ैन 18 वोल्ट का है लेकिन ये 12 वोल्ट में इस प्रकार से चल जाता है। ये फ़ैन हमारा काम आ जाएगा, इसको अच्छे से हमें क्लीन करना होगा। और ये इंडक्शन कॉइल भी हमारा काम का है, हम जो इसमें यूनिवर्सल किट का यूज़ करेंगे उसमें ये दोनों काम आ जाएगा। इस प्रकार से इसका कैबिनेट भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा है, इसको भी हमें अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है। उसके बाद हम इस यूनिवर्सल किट को इसमें करेंगे इंस्टॉल। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ क्लीन, उसके बाद करेंगे इसका इंस्टॉल। तो मिलते हैं इसको क्लीन करने के बाद। 2000 years later। ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से मैंने पूरा सभी को इसके क्लीन कर लिया है। ये फ़ैन इसका देख सकते हो, ये बहुत अच्छे से क्लीन किया है फ्रेंड्स। और इसका पूरा कैबिनेट मैंने पूरा पानी से अच्छे से साबुन लगा के धो दिया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है, क्योंकि इस प्रकार से धोने के बाद जब इसमें हम यूनिवर्सल किट इंस्टॉल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आप देख सकते हो, मैंने कॉइल को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है।
और इसका बॉडी तो अच्छा से चमक ही रहा है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नया जैसा हो गया है। चलो इसमें यूनिवर्सल किट को लगाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें यही डिस्प्ले यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो पुराना डिस्प्ले है उसका पिन अलग है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़े डिफरेंस आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो इसमें सबसे बड़े डिफरेंस क्या है, ये इसका पिन ही है। इसमें 5 पिन है, इसमें आप देख सकते हो 5 वायर निकला हुआ है इसके कनेक्टर में, और ये जो पुराना है उसमें केवल 4 ही वायर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये इसमें लग नहीं पाएगा। तो चलिए इसे भी रखते हैं साइड में, इसका काम नहीं है। यदि आप ये वीडियो ध्यान से देखते हो तो आपको इंडक्शन रिपेयरिंग आराम से सीख सकते हो फ्रेंड्स, आपको मैकेनिक के पास नहीं ले जाना होगा, आप अपने घर पर ही इसे ठीक कर सकते हो। हम बोर्ड को यहाँ पे फिट करेंगे क्योंकि इसमें जो एग्जॉस्ट फैन लगता है उसका हवा इसके हीट सिंक में पड़ना चाहिए। ये फ़ैन भी थोड़ा जाम था फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है तो ये बिल्कुल अच्छा हो चुका है। हमने जो नया सर्किट बोर्ड लिया है ये यूनिवर्सल बोर्ड, ये थोड़ा साइज में बड़ा है तो इसका जो फिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कटर के माध्यम से ये काट रहा हूँ क्योंकि वहीं पे पकड़ रहा है, हमको स्क्रू से टाइट करते नहीं बन रहा है। इसके बाद एक और यहाँ पे फंस रहा था उसको भी हमें काट के बाहर निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हो कटर से मैंने काट दिया है। चलो एक स्क्रू हीट सिंक से होके इसको बोर्ड को टाइट कर देते हैं, देखते हैं अगर एक ही स्क्रू से ये बोर्ड लटक जाए तो बहुत अच्छा बात है। एक ही स्क्रू से ये बोर्ड बहुत अच्छे से टाइट हो चुका है। अब इसके बाद हम इस फैन को भी टाइट कर देते हैं। जो स्क्रू मैंने इसमें से निकाले थे फ्रेंड्स वो सभी स्क्रू को मैं संभाल के रखा था, उसी स्क्रू का यूज़ कर रहा हूँ। फ़ैन का कनेक्टर भी लगा लेते हैं। फ़ैन का कनेक्टर देख सकते हो कहाँ पे लगेगा, ये इसके लिए अलग से 2 पिन का एक कनेक्टर है फ्रेंड्स, उसमें कनेक्ट कर देना है। इसके बाद हमें इंडक्शन कॉइल का कनेक्शन करना है। तो इंडक्शन का कॉइल ये आप देख सकते हो इसमें 2 सर्किट में अलग से नट लगा है, उसी में टाइट कर देना है। इंडक्शन कॉइल को कनेक्ट करते समय हमें यह ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो भी इसका नट में टाइट हो रहा है उसको बहुत ही अच्छे हार्ड तरीके से टाइट करना है क्योंकि स्पार्किंग नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी नट बोल्ट है उसको बहुत अच्छे से टाइट कर देना है। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। इस प्रकार से मैंने इंडक्शन कॉइल का कनेक्शन कर दिया है, ये आप देख सकते हो। अब इसके बाद इसके जो बीच में एक सेंसर लगा रहता है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो उसका भी कनेक्टर इधर पीछे में है, उसको भी इधर 3 कनेक्टर वाला एक अलग से लगा है कनेक्टर, उसमें कनेक्ट कर देना है। इसको कनेक्ट नहीं करोगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इस कारण ज़रूरी है। इसके बाद ये डिस्प्ले बोर्ड इंस्टॉल करना है हमें, तो इसके लिए जगह देख लेते हैं। इसको हम कैबिनेट के ऊपर वाला प्लेट में फिट करेंगे, तो देख सकते हो जहाँ पे पहले डिस्प्ले था वहीं पे इसको हम इस प्रकार से फिट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा क्योंकि केबल यहीं से अंदर जाएगा। तो मैं नाइफ़ के सहारा से इसको अच्छे से काट लेता हूँ। होल बिल्कुल छोटा सा करना है जिसमें हमारा ये कनेक्टर अंदर चला जाए। इसके बाद हम इस डबल साइड टेप को इस डिस्प्ले के जो वायर है उसके अंदर से पास करा लेते हैं और एक साइड को डिस्प्ले में चिपका लेते हैं। इसके बाद हमने जहां पर होल किया था वहां से कनेक्टर का वायर अंदर घुसा लेते हैं। इसके बाद जो डबल साइड टेप को भी दूसरे साइड का भी हम इस प्रकार से फाड़ लेते हैं और उसके जगह पे चिपका देते हैं। इस प्रकार से ये इसका डिस्प्ले फिट हो चुका है। अब इसका कनेक्टर हम उधर कनेक्ट कर देंगे सर्किट बोर्ड में। इसका कनेक्टर कहाँ पे लगेगा देख लीजिए, 5 पिन का एक अलग से कनेक्टर लगा है, वहाँ पे हम इसको प्लग कर देंगे। अब उसके बाद इसके इंडक्शन कॉइल को हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं। इसके सभी स्क्रू अच्छे से टाइट कर देना है, ये इसमें किसी भी सामान हिलना नहीं चाहिए। इसके बाद हमारा एक लास्ट काम और बच गया है इसमें पावर केबल लगाने का, चलो उसे भी लगा लेते हैं। पावर केबल का कनेक्शन यहाँ पे हो गया है, आप देख सकते हो ये 2 पिन अलग से निकला हुआ है उसके लिए। बिना विलंब किए चलो इसको भी हम कर लेते हैं सोल्डिंग। ये मेन पावर केबल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सोल्डिंग करना है, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। अच्छे से सोल्डर पेस्ट सोल्डिंग वायर अच्छे से लगा के इसको बिल्कुल अच्छा पक्का तरीके से सोल्डिंग कर लेना है।
ये आप देख सकते हो मैंने इस प्रकार से अच्छे से सोल्डिंग कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद इसको केबल को लॉक करने के लिए बॉडी में एक अलग से जगह दिया है, उसमें हम उसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद ये केबल अब खींचेगा नहीं। चलो इसको टॉप वाला कवर को भी लगा लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको चेकिंग। मैं इसको चेक करने के लिए पावर बोर्ड के पास ले आया हूँ। ये आप देख सकते हो पावर में मैंने जैसे इसको प्लग कर दिया, ये अभी इसका स्विच ऑफ है। अब चलो इसको ऑन करते हैं। ये देखो ये बिल्कुल ऑन हो चुका है, इसमें से आवाज़ भी आया है बीप का। इसका मेन सप्लाई ऑन करने से ही ऑन नहीं होता, इसमें जो कीपैड दिया है उसमें भी ऑन ऑफ दिया है, उसको हमें ऑन करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो अभी इसमें कुछ बर्तन नहीं रखा है, तो इस कारण E0 दिखा रहा है, मतलब इरोर दिखा रहा है। अभी इसके ऊपर कुछ रखा नहीं है। चलो इसके ऊपर बर्तन में पानी रख के देखते हैं। मैंने स्टील का बर्तन ले लिया फ्रेंड्स, इसमें केवल स्टील वर्क करता है। और इसका डिस्प्ले देख सकते हैं अभी 1300 में है, इसमें हम अधिकतम 2000 तक अप कर सकते हैं और 120 तक डाउन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट ये पानी गर्म हो चुका है, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप भी अपने इंडक्शन को अच्छे से रिपेयरिंग करना सीख सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।